टोनी चिड़िया और रानी चिड़िया कमरे में बैठी थीं। टोनी चिड़िया कहती है, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, अब काफी गर्मी लगती है, हम ऐसे करते हैं एसी लगवा लेते हैं। रानी चिड़िया टोनी चिड़िया से कहती है, अब इतने पैसे कहाँ कि हम एसी लगवा सके, ऐसे करते हैं इन गर्मियों के लिए हम पंखा खरीद लेते हैं। टोनी चिड़िया कहती है, जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो मैं फिर कल बाजार जाऊंगी। टोनी चिड़िया बाजार जाती है, वहाँ से चाइना का पंखा खरीद कर लाती है। जब घर आकर पंखा चलाते हैं तो पंखा नहीं चलता। फिर रानी चिड़िया कहती है, ये चाइना का पंखा खरीद कर लाई हो, चाइना वाला माल खराब होता है, अब चाइना का पंखा वापस करके कोई अच्छी कंपनी का लेकर आओ। टोनी चिड़िया बेचारी फिर पंखा वापस करने जाती है, पंखा वापस करती है और नई कंपनी का पंखा खरीदने के लिए और दुकान पर जाती है, लेकिन सबके पास चाइना वाले पंखे ही होते हैं। वो कहते हैं कि कुछ दिनों का इंतजार करना होगा, फिर और कंपनियों के पंखे आएंगे। टोनी चिड़िया बगैर पंखे के ही घर वापस आ जाती है। जब टोनी चिड़िया खाली हाथ वापस आती है तो रानी चिड़िया पूछती है, पंखा नहीं लेकर आई? तो टोनी चिड़िया कहती है, अभी बाजार में सारा माल चाइना का है, कुछ दिनों तक पंखे आएंगे फिर लेकर आऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता गर्मी बढ़ने लगती है। रानी चिड़िया टोनी चिड़िया से कहती है, अब गर्मी काफी हद तक बढ़ गई है, अब पंखे आ गए होंगे, चलो आप जाओ पंखा खरीद कर लाओ। टोनी चिड़िया फिर बाजार जाती है और पंखा खरीद कर लाती है। यूं वो गर्मी से अपना बचाव करते हैं। अगर आपने भी टोनी चिड़िया और रानी चिड़िया के तरह पंखा खरीदना है तो बाजार जाएं, चाइना का नहीं किसी अच्छी कंपनी का पंखा खरीदें और गर्मी में अपना बचाव करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज़।